कनाडा सितंबर इनटेक के रिजल्ट डेली बेसिस के ऊपर आउट हो रहे हैं, तो ऐसे में बहुत सारे बच्चों के द्वारा क्वेश्चंस पूछा जा रहा है कि दैट जनवरी इनटेक के रिजल्ट कब आउट होंगे, क्या इन दिनों वाकई जनवरी इनटेक के रिजल्ट आ रहे हैं, क्योंकि जो प्रेजेंट स्पीड है उस हिसाब से बच्चों के क्वेश्चन पूछना जायज है। बच्चे पूछ रहे कि एसडीएस केसेस में रिजल्ट विद इन 40 to 45 या 60 डेज में आ रहे हैं, तो ऐसे में काफी ज्यादा एप्लीकेशन है जो हाई कमीशन में कंप्लीट हो गई है, 30 डेज हो चुके हैं जनवरी इनटेक के बच्चों के, तो क्या रहने वाला है रिजल्ट का सिनेरियो, कब तक जनवरी इनटेक के रिजल्ट एक अच्छी स्पीड से स्टार्ट होंगे, डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह मेरी रिक्वेस्ट है, इफ यू आर वॉचिंग माई YouTube वीडियो फॉर अ वेरी फर्स्ट टाइम, काइंडली सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस ऑन द बेल आइकन। हमेशा कोशिश करता हूँ एक जेन्युइन, एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँ। किसी भी तरह की वीजा फाइलिंग में हेल्प चाहिए, IELTS कोचिंग में हेल्प चाहिए, वीजा SOP में हेल्प चाहिए, तो हमारा नंबर यहाँ पर फ्लैश कर रहा है, आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सेप्टेम्बर इनटेक के रिजल्ट बड़े नंबर्स में आउट हो रहे हैं, ठीक है जी, और बहुत सारे जो कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज की स्टार्ट डेट है, ठीक है, वो हम कह सकते हैं कि सेप्टेम्बर का फर्स्ट वीक है। ऐसे में जो रिजल्ट्स का फ्लो है जनवरी इनटेक का, अगर रिजल्ट आ भी रहे हैं, थोड़े बहुत देखने को मिल रहे हैं रिजल्ट जनवरी इनटेक के, तो अभी 10-15 दिन रिजल्ट है, जो स्पीड उतनी नहीं रहेगी जितनी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्योंकि हाई कमीशन के ऊपर अभी प्रेशर जो है सितंबर 2022 का है, जनवरी इनटेक के रिजल्ट थोड़े से डिले अभी होंगे, बट जैसे ही सितंबर मंथ की स्टार्टिंग होगी, हम 10 सितंबर या 15 सितंबर तक जाएंगे, तब जो रिजल्ट का बैलेंस होगा वो इक्वल होगा। जनवरी इनटेक के भी रिजल्ट काफी आएंगे, सितंबर के तो चलो एक सीक्वेंस चल ही रहा है, और मिड ऑफ सितंबर के बाद जो जनवरी इनटेक के रिजल्ट है वो बड़े नंबर में स्टार्ट होंगे, क्योंकि इस बार IRCC भी फुल मोड ऑफ एक्शन में है, प्रोसेसिंग टाइम भी पहले से कम लग रहा है, क्योंकि लास्ट सितंबर इनटेक में जो चीजें आपने फेस की वो इस बार नहीं होंगी, और बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके हैं कि दैट उन्होंने डेफरमेंट लेनी है, ठीक है, कॉलेजेस ने खुद डेफर दे दिया है या बच्चों ने डेफरमेंट लेके अपडेट कर दिए। जो सितंबर की स्पीड रहेगी 10-15 दिन फास्ट रहेगी, उसके बाद जनवरी इनटेक भी एक अच्छी स्पीड पकड़ेगा, बट अभी आपको वेट करना है। और बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि जनवरी इनटेक के जो रिजल्ट है उसका ट्रेंड कैसा हो सकता है। देखिए, हमेशा जो रिजल्ट होता है वो प्रोफाइल बेस्ड होता है, अगर आपने जैसे सितंबर वाले बच्चे अभी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके जो कॉलेजेस हैं वो बोल रहे हैं कि आप डेफर ले लीजिए, और उनके जो प्रोग्राम है जनवरी टेक में अवेलेबल नहीं है, डायरेक्ट सितंबर का डेफर मिल रहा है, अगर आपके पास ऑफर आ गया है, ठीक है, सबसे पहले आप अपने कॉलेज के साथ ये चीज का रابطہ जरूर कायम करें जो आपने जनवरी के लिए ऑफर लिया है, ठीक है, अभी टाइम पड़ा है, आप चीजें बदल सकते हो क्योंकि आप अभी हाई कमीशन में नहीं गए हो, जो बच्चे नहीं गए हैं, तो ये देखिए कि आपका सेम प्रोग्राम मई इनटेक में मिल रहा है या आपका सेम प्रोग्राम नेक्स्ट सितंबर में मिल रहा है, क्योंकि ये चैलेंज बच्चों के साथ बहुत हुआ है सितंबर इनटेक में, और इस कारण उनका लॉस भी बहुत हुआ है, ठीक है। टाइमली जनवरी का रिजल्ट लेना चाहते हो तो जो अपनी एप्लीकेशन है सितंबर लास्ट तक कंप्लीट कर लो, हाई कमीशन के पास अच्छा टाइम होगा अक्टूबर मंथ का और नवंबर मंथ का कि वो आपकी एप्लीकेशन को टाइमली प्रोसीड कर सके, क्योंकि दिसंबर में काफी ज्यादा हॉलीडेज होती हैं, आपके बायोमेट्रिक आपका मेडिकल सब कुछ कंप्लीट होना चाहिए सितंबर मंथ में, तभी जो आप अपना जनवरी का रिजल्ट है टाइमली प्रेडिक्ट कर सकते हैं। IRCC इस चीज के ऊपर भी वर्क कर रही है कि जो SDS कैटेगरी है, ठीक है, जैसे नॉन SDS की स्पीड काफी ज्यादा अच्छी है, जनवरी इनटेक के लिए SDS कैटेगरी के रिजल्ट और भी फास्ट किए जाए, और अगर हम 2022 की स्टार्टिंग से देखें, पहले रिजल्ट आने को 90 डेज लगते थे एवरेज 80% एप्लीकेशन में, बट जैसे जैसे मई इनटेक आया रिजल्ट की स्पीड और फास्ट होगी, अब जैसे सितंबर इनटेक आया एवरेज 80% एप्लीकेशंस के रिजल्ट भी फास्ट हो गए हैं, तो जनवरी इनटेक के लिए भी अच्छी अपडेट्स अच्छी प्रेडिक्शन हम ला सकते हैं कि दैट रिजल्ट डेफिनेटली फास्ट होंगे, बट टाइमली हाई कमीशन में पहुंचे। जो बच्चे रिफ्यूज है सितंबर इनटेक के लिए, अपने केस के ऊपर वर्क कीजिए, 5-7 दिन आपके पास टाइम अभी पड़ा है टाइमली रिजल्ट लेने के लिए, अपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के ऊपर वर्क कीजिए, जो आपकी मिस्टेक है उसको ढूंढिए, पर्पस ऑफ विजिट इज नॉट कंसिस्टेंट लगा है, 3-4 रीजन होते हैं के पीछे, मैंने वीडियो में भी बताया आपको, ठीक है, उसके लिए एडवाइस चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर यहां पर फ्लैश कर रहा है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। जो बच्चे ऑफर लेटर की वेट कर रहे हैं, तो आपकी स्पीड भी सितंबर के फर्स्ट वीक में फास्ट हो जाएगी, क्योंकि जनवरी का लॉट कॉलेजेस को भी अभी पिक्चर क्लियर होनी स्टार्ट होगी कि कितने बच्चों का रिजल्ट आ पाएगा,
आगे मूव ऑफ एक्शन क्या करना है, कैसे सीट्स डिलीवर करनी है, तो डेफिनेटली वो भी क्लियर कर देंगे। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये है गाइस, रिजल्ट आ रहे हैं बहुत ही कम आ रहे हैं, ठीक है, बट जो स्पीड फास्ट होगी, अभी आपको 15-20 दिन वेट करनी होगी, चाहे आपकी एप्लीकेशन लगी को एक मंथ हो गया, चाहे 20 डेज हो गए, तब जाकर आप चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और साथ में दूसरे बच्चे जो है जिन्होंने डेफर किया जनवरी में, आपके रिजल्ट भी साथ ही आउट होंगे। ये नहीं है कि आपके रिजल्ट नवंबर में आएंगे या लेट हो जाएंगे, क्योंकि हाई कमीशन में चीजें टाइमली प्रोसीड करनी ही करनी है। तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस ऑन द बेल आइकन। किसी भी तरह की वीजा फाइलिंग में हेल्प चाहिए, स्टूडेंट वीजा एसओपी में हेल्प चाहिए, आल्स में स्कोर नहीं आ रहे हैं, वी आर प्रोवाइडिंग 1-to-1 ऑनलाइन क्लासेस, देन यू कैन ज्वाइन अस। थैंक यू।